या कोई बहुत भारी वजन उठा रहे थे, नीचे से झटका लग गया, ऊपर से लॉफ्ट से कुछ उतार रहे थे और शोल्डर पे चोट आ गई। देखिए, शोल्डर पेन एक तो ट्रॉमा है, किसी के एक्सीडेंट हो जाएं या फ्रैक्चर्स हो जाएं तो वो तो एक ऑब्वियस चीज़ है, लेकिन अदरवाइज कुछ चोटें ऐसी आ सकती हैं कि मान लीजिए जैसे पार्क में जाते हैं, खेल रहे थे, मंकी चेन होता है जिस पे उस पर लटकते हैं या स्विंग पे, और एक हाथ छूट गया, एक से ही लटके रह गए, या कोई बहुत भारी वजन उठा रहे थे, नीचे से झटका लग गया, ऊपर से लॉफ्ट से कुछ उतार रहे थे और शोल्डर पे चोट आ गई। इस तरह की जो चोटें हैं ज़्यादातर एंथीसाइटिस कराती हैं, मतलब जो यहाँ पे लिगामेंट्स अर्थात मांसपेशियों के जो हड्डी को जोड़ने वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको लिगामेंट्स कहते हैं, और जो मांसपेशियों के आखिरी सिरे होते हैं उनको टेंडन्स कहते हैं। तो ये टेंडन्स जो मांसपेशियां होती हैं जहाँ से जिनसे मूवमेंट कराते हैं, उनके सूजन की वजह से होता है, ज़्यादातर करके रेस्ट करके आपको आराम आ जाएगा। लेकिन अगर कुछ लॉस ऑफ मूवमेंट्स होता है, अर्थात मैं यहाँ तक शुरू नहीं कर पा रहा हूँ मूवमेंट, हाथ उठाया तो पूरा हाथ चल रहा है, ठीक है, या हम यहाँ तक तो ला पाते हैं हाथ को, ऊपर नहीं ले जा पाते, फिर सपोर्ट लगता है, इस तरह की कोई तकलीफ है तो आपको ज़रूर मेडिकल हेल्प सीख करनी चाहिए। आपका MRI होगा, ये जनरली रोटेटर कफ इंजरी का साइन है, और दूरबीन द्वारा छोटे छोटे छेदों से करके इसको करेक्ट किया जा सकता है एक छोटी सी सर्जरी से। वैसे छोटी तो नहीं कहना चाहिए, छोटे सिर्फ छेद होते हैं, सर्जरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, बट नॉनदलेस इट कैन बी करेक्टेड। दूसरी एक तकलीफ जो जनरली 40s क्रॉस करने के बाद लोगों को आती है, स्पेशली जिनको डायबिटीज़ है या हाइपरलिपिडीमिया है अर्थात कोलेस्ट्रॉल की तकलीफ, उसे कहते हैं फ्रोजन शोल्डर। कॉमन भाषा में फ्रोजन शोल्डर कहते हैं, एडहेसिव कैप्सुलाइटिस उसका टेक्निकल टर्म है। अब इट इज़ क्वाइट अ फ्रस्ट्रेटिंग इलनेस फॉर बोथ द डॉक्टर एंड द पेशेंट, क्योंकि इस ये जो तकलीफ है इट इज़ अ सेल्फ रिजॉल्विंग इलनेस। शरीर में कुछ बीमारियां होती हैं जो खुद से आती हैं, खुद से जाती हैं, एडहेसिव कैप्सुलाइटिस इज वन ऑफ देम। इट इज़ अ सेल्फ रिजॉल्विंग इलनेस, मतलब वो खुद से आई है, खुद से जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम है वो 2 साल लेगी। उसके 4 फेज होते हैं, एक होता है प्री फ्रीजिंग फ्रीजिंग फेज जिसमें दर्द होना शुरू होता है, फिर आता है, इसमें लोग घबराते हैं और डॉक्टर के पास आते हैं, फिर चालू होता है फ्रीजिंग फेज। फ्रीजिंग फेज में दर्द तो रहता ही है, पहला मूवमेंट जो जाता है वो ये, आप हाथ पीछे नहीं कर पाते, बाकी सब कर पाएंगे, कंघी भी कर पा रहे हैं ऊपर, लेकिन ये नहीं हो रहा है, तो दिस इज फ्रीजिंग फेज। दिस फ्रीजिंग फेज कैन लास्ट एनीवेयर बिटवीन 3 and 6 months। उसके बाद फ्रोजन फेज आती है 3 to 6 months बाद, जब पेन कम हो जाता है लेकिन अब सारे मूवमेंट चले गए, मतलब ये भी चला गया है, ओवरहेड मूवमेंट भी चला गया है, इवन खाना कंघी करने में दिक्कत है, खाना खाने में दिक्कत है, कपड़े पहनने में दिक्कत है, और उसके बाद चालू होती है थॉइंग फेज, मतलब दर्द भी खत्म है, अब धीरे धीरे आप रियलाइज करेंगे, पहले तो मैं कंघी नहीं कर पा रहा था, मेरा हाथ यहाँ तक आता था, अब मैं कंघी कर पा रहा हूँ, पहले हाथ बिल्कुल ही पीछे नहीं जाता था, धीरे धीरे पीछे जा रहा है, एंड लास्ट में सारे मूवमेंट्स आ जाते हैं जिसमें फिजियोथेरेपी का बहुत रोल होता है। अब इसमें होता क्या है कि फ्रीजिंग फेज में लोग आते हैं हमारे पास, और लोगों को होता है कि भाई दवाई खाई लेकिन राहत नहीं मिली। आई रिपीटेडली टेल पीपल कि ये 1.5 से 2 साल की इलनेस है, 4 चरणों में प्रोग्रेस करेगी, लेकिन उस दौरान लोग बहुत परेशान होते हैं, इधर उधर भटकते हैं, कोई यहाँ इंजेक्शन लगवा लेता है, कोई यहाँ इंजेक्शन लगवा लेता है, लेकिन इवेंचुअली दिस विल टेक इट्स 2 years, इट विल टेक इट्स टाइम, और फिर ये अपने आप ही रिजॉल्व होगी। इसमें ध्यान देने वाली बात जो होती है वो ये है कि जब रिजॉल्विंग फेज आ रही है, मतलब आप इसके आखिरी चरण में हैं, तो आप राइटली फिजियोथेरेपी करें ताकि आपको 100% रेजोल्यूशन मिले, अदरवाइज कुछ मूवमेंट्स आपके छूट जाएंगे। सो दिस इज़ अनदर कॉमन इलनेस।